हाँ जी सर, आपके पास जो शिविर हॉस्पिटल की शिकायतें आ रही थी उसके बारे में आज आपने मुआयना किया है शिविर हॉस्पिटल का, उसमें आपने संज्ञान में क्या आदेश पारित किए सर, उसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे लगभग एक वीक पहले लिखकर के कुछ कंप्लेंट्स किसी सर्जन ने दी थी और मैंने डॉक्टर पुनिया जी को उसका संज्ञान में विषय ला दिया और ये कहा था कि मैं खुद जब भी मुझे समय लगेगा एक बार मैं इंस्पेक्शन के लिए आऊँगा। पूरा हॉस्पिटल एक एक चीज़ घूमने के बाद जो मैंने यहाँ पर पाया, कोविड की दृष्टि से हॉस्पिटल की पूरे स्टाफ की, पुनिया जी की मैं तारीफ भी करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी और आने वाले थर्ड वेव की दृष्टि से भी इन्होंने पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था, पूरे हर चीज़ के प्लांट की व्यवस्था, आईसीयू बेड्स की व्यवस्था, प्रधानमंत्री की ओर से जो भी सुविधाएं हॉस्पिटल में आई हैं वो सब सुविधाओं से लैस करके इन्होंने हॉस्पिटल को पूरा तैयार रखा। उसके साथ साथ हर डिपार्टमेंट में जहाँ पर वैक्सीन लग रही है वहाँ पर भी मैं गया, वहाँ थोड़ी सी मुझे दिक्कत महसूस हुई तो वो मैंने इनके संज्ञान में ला दिया है। एक जगह पर वैक्सीन लग रही थी तो इनको दो जगह पर वैक्सीन लगने की व्यवस्था हो वो मैंने इनके संज्ञान में विषय ला दिया है। दूसरा, एक कंप्लेंट मेरे पास लेबर रूम की आई थी तो वहाँ पर भी जाकर के प्रत्यक्ष हमने देखा और लगभग व्यवस्था ठीक मिली, फिर भी उसमें जो गुंजाइश है थोड़ी बहुत वो मैंने सीएमओ साहब को कहा है कि उसको दूर करने का प्रयास करें। एक जो सबसे बड़ी मुझे यहाँ पर कमी लगी, बाकी लगभग हाँ, एक विषय में बताना भूल गया, एक कंप्लेंट ये मिली थी कि एक्सरे के अंदर जो है जब व्यक्ति कराने के लिए आता है तो उसको वेटिंग कराई जाती है और उससे कहीं ना कहीं आर्थिक भी उम्मीद की जाती है, ये संज्ञान में मिला तो मैंने सीएमओ साहब की नोटिस भी डाल दिया है, पीएमओ साहब की नोटिस में डाल दिया है और उस एक्सरे मैन की भी नोटिस में डाल दिया है। इस प्रकार की यदि अब कोई शिकायत आएगी तो हम उसको फिर रंगे हाथों भी पकड़वाएंगे, चाहे कोई भी सिविल हॉस्पिटल में कितना भी बड़ा अधिकारी हो। ये बात मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को भी बताना चाहता हूँ और पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को भी बताना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ी दिक्कत मुझे महसूस हुई, यहाँ पर स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है। जो स्वच्छता इंडोर में है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन है, बट जो बाहर सारा जंगल बना हुआ है उसकी कटाई, दूसरा पार्क के अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। मैंने पीएमओ साहब को कहा है कि कम से कम 10 बेंच यहाँ पर और लगवाए जाए पब्लिक के बैठने, आप भी नोट कर लें इसको। और दूसरा, पानी पीने की केवल 2 या 3 जगह व्यवस्था है, इसको 2 जगह पुनिया साहब और व्यवस्था इसकी बढ़ाने की आवश्यकता है, 2 मशीनें और लगाने की व्यवस्था। अभी जो सामाजिक संस्थाओं ने 2 मशीनें लगाई हुई हैं उसके अतिरिक्त सिविल हॉस्पिटल की तरफ से भी 2 पीने के पानी की ठंडी गर्मी में वो व्यवस्था इनको करेंगे। दूसरा, सफाई के लिए आज मैंने आना था, शायद मुझे लगता है इसलिए भी थोड़ा सा सफाई पे इन्होंने ध्यान दे दिया, अदरवाइज मैंने खुद अपनी आंखों से इनको दिखाया है कि सफाई की व्यवस्था में आउटर में, इंटीरियर हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो चीज़ ठीक है उसको मैं ठीक बोलूँगा और जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है वो मैंने पीएमओ साहब को लिखवा दिया है और 2-3 दिन के अंदर ये मुझे उनकी पिक्स भी डालेंगे कि भी वो ठीक व्यवस्था हो गई या नहीं होगी। यदि मुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं भी दोबारा एक बार आकर के इंस्पेक्शन करूँगा। सर, मैं ये समझता हूँ कि जन सुविधाओं में जो हमें सीएमओ साहब से अपेक्षा थी उसी अपेक्षा के तहत मुझे बहुत कुछ अच्छा मिला। जो कंप्लेंट्स थी मैंने इनके ध्यान में ला दी है। एक यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स के वहाँ सड़कें काफ़ी टूटी हुई तो मैंने इनको कहा एस्टीमेट बना करके भेजो, मैं PWD HCN और SC को जिसको भी कहना है उसको कहकर के यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। जो एंट्री है हॉस्पिटल की वो भी सड़क काफ़ी टूटी हुई, खड्डे हैं उसमें, रात को देर सवेर पेशेंट को लेकर के आते हैं तो उसको बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो ये सब चीज़ें मेरे पास दिक्कत के आई थी तो जिसका मैंने संज्ञान लिया, जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 80% व्यवस्थाएँ ठीक है पर 20% व्यवस्थाएँ जो खराब है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और उसको बहुत जल्द ठीक करना चाहिए। मेरा ये सारे स्टाफ से, पीएमओ साहब से, सीएमओ साहब से सबसे निवेदन है। देखिए, हम इतने बुरे काल से निकले हैं
और मुझे लगता है कि पूरे स्टाफ ने आपके बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, आपके माध्यम से पब्लिक को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, यदि सिविल हॉस्पिटल में कोई भी आपसे पैसे की किसी बात की डिमांड करता, आप सीधे पीएमओ को, सीएमओ को, या अगर आपको लगता है, नहीं तो आप मुझे कंप्लेंट कीजिए, मुझे बताइए किस अधिकारी ने आपसे पैसे मांगे। हम, मैं व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सोनीपत में लड़ाई लड़ रहा हूँ। एवरीबॉडी नोज अबाउट मी, मेरे विषय में हर कोई जानता है कि मैं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, और मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कईयों को बता भी चुका हूँ, ठीक भी कर चुका हूँ। तो मैं निवेदन जनता से भी करता हूँ कि यदि कोई इस प्रकार की शिकायत मिले, आप सीएमओ साहब के पास आइए, बहुत ईमानदार व्यक्ति, मतलब ये आपको इस प्रकार की कोई भी डिमांड यदि कोई करता है तो आप इनके संज्ञान में लाइए, ये भी उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे संज्ञान में लाइए, उसको हम रेडी हैंडेड भी पकड़ाएंगे। ऊपर मेरी बात हो चुकी है, यानी हम यहाँ पर करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी जो काम मैंने कहे हैं काफ़ी अच्छा, मुझे खुशी हुई कि जो कंप्लेंट थी उसमें कई चीज़ें ठीक मिली और कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली कि जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करता हूँ इस पूरे स्टाफ से, जिन्होंने जो आज सारा मेरे साथ एक एक चीज़ देख करके जो इंस्पेक्शन की है, मुझे लगता है कि भाई और ज़्यादा इसमें सुधार करेंगे। सर, जो शिकायतें आपके पास आई थी, आपने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, अगला विजिट आपका कब तक होगा सर दोबारा, कि वो प्रॉपरली वे कितना हुआ? मुझे लगता है कि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस हिसाब की आज मैंने उनसे बात की है, और फिर भी यदि कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं 24 आवर जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। कोई भी शिकायत मेरे पास आएगी तो उसको मैं ध्यान, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी सीएमओ साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? आज हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि हमारे बीच में हमारे माननीय हरीश चंद्रा जी आए हैं, और माना ही नहीं, मतलब इन्होंने विस्तार से डिटेल में जो राउंड होता है वो हॉस्पिटल फार्मेसिस का, इंटीरियर का, इंटायर ओपीडी का, वार्ड्स का, स्पेशली आईसीयू का, जो थर्ड वेव की जो प्रिपेयरनेस हम कर रहे हैं उसका जायज़ा लिया, और पीएचए प्लांट का जायज़ा लिया, इंदौर में जाकर के लेबर रूम का जायज़ा लिया। तो बड़ी हमें अच्छा लगा है कि हमें उनके नेतृत्व में अच्छा जो अपेक्षाएँ थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर को, इन्होंने सर ने इनको सराहा है काफ़ी हद तक, जो हमारी काम चल रहा है हॉस्पिटल में, जो खास करके पब्लिक को जो हम केयर दे पा रहे हैं उसमें सर ने बड़े ही प्रसन्नता जाहिर की है। लेकिन साथ साथ जो भी व्यवस्था सुप्रीम है हमारे लिए, सफाई की व्यवस्था, क्लीननेस हमारा ड्राइव चल रहा है, तो हम खुद भी जा करके जैसे जो भी ओवरहेड टैंक्स हैं, पानी की टंकियाँ हैं, उनको हम चेक करते रहते हैं। सर ने भी आज ऑब्जर्व किया कि बाहर हम देखते हैं कि हमारे जो रोड्स हैं उसमें बिल्कुल काफ़ी जगह पे ब्रेक्स हैं, तो उनको भी हमने पहले संज्ञान से लाया हुआ है नीचे सके, और हम इसका एस्टिमेट बना करके पीएमओ साहब को कहेंगे, इसको कहा भी है कि एस्टिमेट बना करके दोबारा से भेजेंगे, तो उसकी रोड अच्छे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा हो। लेकिन सर ने बिल्कुल टाइमली अच्छे से हमें समझाया भी है और बताया भी है, और ये सही भी है कि जो बाहर जो पीछे के एरियाज में हैं काफ़ी कोशिश हैं, जो गड़ियाँ हैं उनको काटने का काम शुरू किया है, लेकिन सर ने 3 दिन का टाइम दिया, तो यही अब पीएमओ साहब को कहा भी है, और ये विदिन 72 आवर्स काम चलाया है, इसको दोबारा से गति प्रदान करके एकदम क्लीननेस करेंगे, और सर ने जो आज जवाब दिए हैं उनके लिए हम पूरा उतरेंगे, और ये जो पेशेंट से भी इंटरव्यू लिए हैं सर ने, डायलिसिस यूनिट ने किया जो हमारी, उसने पेशेंट का इंटरव्यू लिया है, पेशेंट ने बताया कि बहुत अच्छा, दे आर टोटली सेटिस्फाइड। ऐसे ही एसएनसीयू हमारा जो बिल्कुल न्यू केयर यूनिट है उसका सर ने जायजा लिए हैं, वहाँ भी बड़ी सर ने प्रसन्नता जाहिर की है, तो जहाँ जहाँ हमें इनपुट दिए हैं, जहाँ सुधार कहा है, डेफिनेटली हम अगले 2-3 दिन में पीएमओ साहब को भी यहीं पे हैं, हमारे साथ में लिए सर, डेफिनेटली हमेशा ही गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट की, तो अगले 2-3 दिनों में हम इसके लिए हमारी तरफ से तैयारियाँ होंगी, किसी तरह की भी कमी ना रहे, स्वस्थता जिस तरह बताया कि बहुत ही प्रॉपर ही है, और सर का हमेशा ही हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, और बिल्कुल ये ठीक करें कि कहीं भी किसी चीज़ के लिए जब गवर्नमेंट सारा कुछ दे रही है तो कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत ना मिले, खास करके किसी तरह कोई एम्प्लाई है जिसमें लिप्त ना हो, इसके लिए सर ने बड़ा सुझाव दिया है कि जो भी इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंसली सर को शिकायत दे दें, मुझे शिकायत दे दें, पीएमओ साहब को दे दें, जहाँ भी कुछ लग रहा हो कि अनकॉर्ड हो रहा है, डेफिनेटली उसको करेंगे, उसपे एक्शन होगा। धन्यवाद। कोई भी शिकायत होगी तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। डेफिनेटली वो तो बोल चुका है नहीं, आप देखेंगे कि हमारा एक ऐसा सोनीपत है जो हिंदुस्तान में पीसीपी एंटिटी में फर्स्ट आ चुका है, कंप्रोमाइज हम कहीं करते नहीं, जहाँ हमें पता लगा कि यहाँ लड़कियाँ जो
एक हज़ार के पीछे 820 थी और आज वो 935 है, 107 पॉइंट का इजाफा जो हमारे यहाँ हुआ है। तो हम उनकी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो गलत है उसको गलत करके अंदर कराते हैं और उसको बिल्कुल संज्ञान में लेकर के हम सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सेम पैटर्न हमारा बहुत तरीके से। ठीक है सर, थैंक यू सर।